जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। आपके सहयोग की मैं धन्यवाद करता हूं और आप कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके सामने आंतल गोत्र की हिस्ट्री लेके आया हूं। आज से लगभग 1100 साल पहले दिल्ली पे तोमर राजाओं का जो है शासन था। तोमर जहाँ एक उनका सेनापति था जहानू, तो ऐसा कहते हैं उस समय एक हमला हुआ था, मुसलमानों ने हमला किया था, तो उन्होंने इतने बहादुरी से लड़े थे कि उसने अपने जो दुश्मन थे उनकी आंतें निकाल ली थी युद्ध करते करते। तो उसके बाद इनका नाम जो इनको उपाधि दी गई थी आंतल, आंत निकालने वाला। और साथ साथ में सोनीपत के पास नांगल का जो एक एरिया था वो इनको उपहार के रूप में दिया गया था। वहीं से ये जो इनकी मेन गांव मिलते हैं, उच्चारण के कारण इनको कहीं आंतल बोलते हैं, कहीं आंतिल बोलते हैं। इस युद्ध में जो तोमर जो है जीत गए थे, जो राजा थे हमारे दिल्ली के, और ये नांगल का जो प्रांत दिया गया था इसको दादी नांगल भी बोला जाता है। जबकि एक जगह इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली का एक गांव लाडोसराय, लाडोसराय से आंतल जो है आंतल जाटों का निकास हुआ है। और चूंकि वहां से निकल के जब रास्ते में जा रहे थे, लड़ाई हुई थी, तो जो दुश्मन थे उनकी आंतें निकाल ली थी और ये इनकी जो बस्तियां यहाँ आकर बस गई थी। लगभग ये 12 गाँव हैं जो लाडोसराय के पास है। पर वहाँ देखिए इनका जो गोत्र है वो जायसवाल गोत्र है। बीच में जो है इनका फिर जिले में अलग अलग बस्तियां बस गई थी। लाडोसराय के बारे में एक कहानी मशहूर है कि लाडो सिंह तोमर था, खिलजी वंश के कारण जो मुसलमान राजा थे वो हिंदू लड़कियों को बहुत परेशान करते थे, उनसे बदला लिया था, तो माफ़ी मांगी थी उन्होंने लिखित सरखाप से बादशाह ने अंत में, तो इनका फिर ये निपटा था। भरतपुर जाटों के सब मिल के लड़े थे ये, क्योंकि मुरथल के आसपास जमीन ज़्यादा उपजाऊ थी तो वहाँ से छोड़ के कहते हैं वहाँ पर ही आ गए थे। अब जो आंतल गांव के जो गांव हैं वो इस प्रकार हैं: ग्वालियर में मुरार, अंबाला में बलाना, नांगल, नंदवाली, नियोला और आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में घसियारपुरी, सोनीपत में है आपके असावरपुर, बख्तावरपुर, बिगाण, बडोली, बसुडी, दीपालपुर, गढ़ी मेहंदीपुर, हरसाणा, कमासपुर, खेवड़ा, किशोरा, मछोली, मेहंदीपुर, मकीमपुर, मुरथल, नांदनौर, नांगल कला, पलारा, पलड़ी, पलरा, पलड़ा और पलड़ी। जींद में है कुराड़, कुरड़। और उत्तर प्रदेश में जो हमारे भाइयों के आंतल गांव मिले हैं वो नूरपुर, चांदपुर और जो मशहूर लोग हमारे हुए हैं आंतल में सीमा आंतल, ये हमारी बहन जो है सिल्वर मेडल लेके आई थी एटलांटा कॉमनवेल्थ गेम में, चौधरी माया राम आतिल, रंजनीश आतिल, ये क्रिमिनल लॉयर है बहुत मशहूर, अजय आतिल आईएएस है 2006 बैच के, डीसी हैं आजकल ये सरूरपुर में जहाँ है, सतपाल आतिल जो ये है 2014 के बैच के हैं, संदीप कुमार आतिल ये जो है अपने साइंटिस्ट हैं, और एक हमारे सुभाष आंतल हैं ये कमासपुर के हैं। तो भाइयों ये थी हमारी आंतल गोत्र की हिस्ट्री। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा अब हम एक चीज़ और करने जा रहे हैं, इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं हर बड़े आदमी का जो भी जाट भाइयों ने काम की, जैसे कि गवर्नर हुए, बिजनेसमैन हुए सबके, तो आपकी नज़र में कोई भी ऐसा भाई हो जो इसका जिनका इंटरव्यू लिया जा सके तो वो डालने की शुरुआत कर रहे हैं। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।